ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग होने वाली है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक, जो कि है जुलाई 15 से लेके 21। तो ओवरऑल एनर्जी कैंसेरियंस के लिए, ओके, देखिए अगर रही बात करियर या यू नो कहीं लाइक अपने काम के सिलसिले में, यू नो, तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आप अपना 100% बेस्ट दे रहे हैं, एंड यू आर इनटू अ बेस्ट, अपनी बेस्ट फॉर्म में हैं आप, ओके। अपने करियर को लेके अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, एंड फीलिंग पॉजिटिव, और अपनी बात अच्छे से रखना कुछ के लिए हो सकता है। इट्स अबाउट ओपन कम्युनिकेशन, एंड काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है टाइम, अगर करियर कॉन्टेक्स्ट में बात करें। बट अगर लव लाइफ की बात करें, देन आई थिंक इट्स लाइक हॉट एंड कोल्ड, चीज़ें थोड़ी सी हैं, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मे बी इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, कि बातें खुल के नहीं हो रही हैं, ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या करने की ज़रूरत है, होल्ड बैक कर रहे हैं, या आप ऐसे किसी डील कर रहे हैं किसी के साथ जहाँ नो कॉन्टैक्ट है या कम्युनिकेशन उतनी ठीक से नहीं हो पा रही है, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक हेल्थ ऑफ योर मदर, ओके, या आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा वरिड हैं या उनका ख्याल कर रहे हैं। कुछ के लिए इट्स अबाउट रिलेशनशिप ऑफ कोर्स, कि आगे सोच समझ के बढ़ रहे हैं क्या करें, लाइक कोई डिसीजन लेना है किसी पर्सन के बारे में या मैरिज लाइफ के बारे में, अपनी स्पेशली वाइफ के बारे में। कुछ के लिए ये भी हो सकता है, खुद के लिए भी हो सकता है, अगर आप फीमेल हैं तो ये खुद के लिए भी हो सकता है कि आप सोच सोच के स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं कि क्या करें, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यू नो, और आप वरिड हैं कहीं आप कोई गलत स्टेप तो नहीं उठा रहे, या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ माइंड में चल रहा है, या किस अगर आप मेल हैं तो आप किसी के बारे में सोच रहे हैं ऐसा कि कोई आपको, आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई आपको एटीट्यूड दे रहा है, या दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। चलिए सो ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी। अब लव लाइफ की बात कर लें, तो बेसिकली सिचुएशन आप लोगों के बीच में ये है कि या तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत है, एक गैप दिखाई दे रहा है, और इट्स लाइक कि यू नो मे बी इट्स अबाउट कि आप कुछ दोबारा से रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, पिक करना चाह रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइड कर रही है, आप सोच रहे हैं टू रीयूनाइट विथ समबडी, ओके, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, या एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। यू वांट टू हैव फैमिली, यू वांट टू हैव किड्स, आप चाहते हैं आपकी फैमिली आगे बढ़े, या ट्रैवल करके अपने फैमिली तक पहुंचना चाह रहे हैं, वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और या हो सकता है कि कुछ देर आर थिंग्स जो कि अब रीसर्फेस नहीं हो रही हैं, यू नो, मतलब अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें हैं, या हो सकता है कुछ चैलेंजेस हैं जो शायद हो सकता है कि आपको कुछ फियर हो, अगेन वो आगे देखते हैं, आगे चेकआउट करते हैं। चलिए आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे। रिलेशनशिप की अगर बात करें, सो यस, बेसिकली आप अपने काम पर बहुत फोकस्ड हैं, and also you want to have a family and you want a change as well, दोनों चीज़ें, basically ये दोनों चीज़ें। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं ऐसा कि आप आगे बढ़ें, या मतलब कुछ सेटअप करें, दिस एंड दैट, माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ओके, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी हो, यू नो, फेलो वाटर साइंस हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, कोई है जिसके मन में आपके लिए डीप इमोशंस हैं या थे, बट कुछ रही हैं प्रॉब्लम्स पास्ट में, जो कि ये जो
पर्सन है ये अपने माइंड से शायद निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मतलब आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी टेंशन्स रही हो, एंड दैट इज़ द रीज़न. इमोशन है लेकिन रीज़न क्या है, एक स्पेस आ चुका है, स्लीप मोड पे चल रहा है. तो चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, मतलब कुछ है, कुछ सिचुएशन ऐसी सी है कि आप लोग या तो दूरी पे हैं या एक सिचुएशन बहुत ही स्लो चल रहा है, पर्पसली मतलब जानबूझ के टाइम लिया जा रहा है, ऐसा कुछ है. तो ये किस लिए है, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में बातें हुई है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउटकम. आई थिंक इट्स अबाउट, ये डिपेंड करता है स्टेप फॉरवर्ड, लाइक ये आपकी कोशिश पे. कुछ के लिए हो सकता है कि बात बन सकती है, ओके, पॉजिटिव आउटकम हो सकता है, या हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं. आपके पार्टनर का अगर एफर्ट, अगर उनकी तरफ से नेक्स्ट मूव पूछें, आई थिंक दे आर इन टू देयर जोन. मुझे ऐसा लगता है कि वो इट्स ऑल अबाउट कि दे आर नॉट टॉकिंग, वो अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं, हिम्मत नहीं कर रहे हैं, या ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं. सो बेसिकली दैट मीन्स कि डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं. आप, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि येस यू वॉन्ट, मतलब आप चेंज चाहते हैं, और आप दोनों साइड फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ पे भी, मतलब बेसिकली आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप पूरा पूरा अपना कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे एक बात ये भी हो सकती है कि आप लाइक यू हैव, आपके पास चॉइसेस थी, या किसी के पास इन दिस रिलेशनशिप किसी के पास चॉइसेस रही थी, आप माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली हो सकता है आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वैसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है. हो सकता है आपने अपने आप को पहले होल्ड बैक कर लिया था, या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, स्पेशली सिंगल्स के लिए हो सकता है कि आप माइंड नहीं मेकअप कर पा रहे थे, बट अब ये सिचुएशन है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एंड पॉजिटिव आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है. देयर इज़ एनर्जी ऑफ अपने शेल से बाहर निकलना, या कोशिश करना उसमें से, मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है वो हॉट एंड कोल्ड आप लोगों के बीच में रहा है एनर्जी, तो उस चीज़ में से बाहर निकल के आप कुछ सोचना चाह रहे हैं, तो वैसी सी एनर्जीज आपकी साइड से दिखाई दे रही हैं. इट्स अबाउट दैट. तो वही माइंड में ना बैक एंड फोर्थ चल रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें, क्या आपको स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए, क्या आपको ये स्टेप लेना चाहिए, आपको सोचना चाहिए दिस एंड दैट. तो वो बेसिकली आपके माइंड में अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है. पर आप चाहते हैं, यू नीड, ऑफ कोर्स आप बैलेंस आउट करना चाहते हैं. कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस आ चुका है, गैप आ चुका है, या घर वाले नहीं मान रहे थे, या आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आप लोगों के बीच में कुछ किसी चीज़ का कोई फ़र्क आ गया था, थर्ड पार्टी को लेके कुछ इश्यूज आ गए थे डेफिनेटली, तो वो चीज़ें हैं. बट इस हफ्ते के लिए आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव, और ऐसा लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चलिए, ओके, अब आपके करियर की अगर बात करूँ कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो करियर वाइज बेसिकली इट्स अबाउट, ओके, बिजनेस के लिए इट सीम्स टू बी अ गुड टाइम, दैट ग्रेट एनर्जी, ओके, कि ये सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप अपना ऐसा कोई काम है आपका, पार्टनरशिप में कुछ सोच रहे हैं, या हो सकता है कि ऑनलाइन कुछ बिजनेस करते हैं आप, या हो सकता है कि कुछ सोच रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो वाली एनर्जी है, तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा हो सकता है. हाँ, कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें पिकअप करें, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही हैं, लाइक थिंग्स शुड पिकअप, वो चीज़ भी हो जाएगी पॉजिटिव, मतलब आउटकम जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, हमें सक्सेस दिखाई दे रही है. और या आप वेट कर रहे हैं किसी ब्रेक थ्रू का, कि वो कब होगा. मान लीजिए कि अच्छा चल रहा है आपका ऑनलाइन कुछ बिजनेस है, या कुछ भी आप कर रहे हैं, या इवन जॉब एज वेल, ओके, कि एट वर्क प्लेस आप कोशिश कर रहे हैं, बट कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाती हैं, तो आपको लगता है कि अरे चीज़ें कब वो अपॉर्चुनिटी आएगी जो आप चाह रहे हैं, तो वो भी जल्दी आएगी. तो क्या
देखिए दोनों चीज़ों में वो मुझे वो हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है. सो बेसिकली यू विल बी क्वाइट कंटेंट, आप हैप्पी रहने वाले हैं, आप अपने करियर के से यू नो क्वाइट यू विल बी क्वाइट हैप्पी विद योर करियर और लव लाइफ ऑल्सो. तो बहुत चांसेस हैं कि यू नो फैमिली लाइफ में वो हैप्पीनेस आ सकती है, वो खुशी आ सकती है, बिकॉज हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है. सो इट्स अबाउट बॉन्डिंग टुगेदर और गेटिंग टुगेदर. तो स्पेशली उनके लिए है जो लोग मैरिड हैं और जो लोग थोड़े सेपरेशन में हैं, ऐसी एनर्जी है. कुछ के लिए हो सकता है, अगर आप टोटली सिंगल हैं, आप शादी के लिए सोच रहे हैं, फैमिली के लिए सोच रहे हैं, देन अगेन बॉन्ड अच्छा हो सकता है, आप कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और करियर वाइज भी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कोई बिजनेस डील, या आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि येस कुछ अच्छा होगा तो उसको फॉलो की, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल. आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप वो डिज़र्व करते हैं, आपके अंदर वो स्किल्स हैं. मैं कहूँगी बेसिकली स्किल्स हैं आपके अंदर कि आप मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो जॉब है चाहे वो कुछ भी है. सो घबराइए मत, ये हफ्ता भी करियर के लिए अच्छा रहेगा. सो ओवरऑल ये एनर्जी दिखाई दे रही है. चलिए गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस. ओके, तो अगेन 10 of Cups एनर्जी आ रही है. सो एंजल्स कह रहे हैं हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए. ओके, और अपनी सक्सेस पर, विक्ट्री सक्सेस, आई थिंक इट्स अबाउट फीलिंग. आपको ये अपने आप में महसूस करना होगा. जब भी आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में चाह रहे हैं तो वैसा महसूस करना बहुत ज़रूरी है. मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो, तो आपको वैसा फील करना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर से वो हैप्पीनेस वो वाइब्स लाना बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप्स एज वेल. तो जब आप खुद से खुश होंगे, देखिए यहाँ पर 2 डॉल्फिन्स भी दिखाई दे रही हैं, सो सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस या इनर हैप्पीनेस. ओके, और अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी तरफ आएगी भी, और आप वो अट्रैक्ट भी करेंगे, आपकी लाइफ में वो खुशी भी आएगी जल्दी ही जो आप चाह रहे हैं. ओके, तो अंदर ही अंदर अपने आप में वो पीस एंड हारमोनी, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप खुद से कनेक्ट कर रहे हैं. सेल्फ लव, अपने आप को टाइम देना, सेल्फ लव वाली एनर्जी दिखाई दे रही है. अपनी उस साइड के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, द फेमिनाइन साइड, आप क्रिएटिव हो रहे हैं. और जब आप क्रिएटिव होते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ, जैसे कहते हैं ना, कुछ नया जन्म, तो वही चीज़ है. सिर्फ ये आपका नया जन्म हो सकता है, या आपका आपकी एक नई पर्सनालिटी उभर के आ रही है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, तो आप खुद में हैप्पी रहते हैं तो आपकी लाइफ में भी वो सक्सेस आए. तो वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस. ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.